कौशल देश में कृषि उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन कौशल महाराज की भव्य सवारी निकलती और महाराज किसान बनकर जमीन के चुने हुए टुकड़े में हल चलाते और बीज बोते थे। जमीन के मालिक को रकम दे दी जाती और खेत राजा के हो जाते। उस दिन मधुलिका की जमीन चुनी गई थी, इसलिए कौशल के सभी निवासी उसकी जमीन पर जमा हो रहे थे। राजा सवारी से उतरे, सुंदर कन्याओं ने मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। तत्पश्चात राजा ने हल चलाना आरंभ किया। लोगों ने खील और फूल बरसाए। कौशल के इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे। उस वर्ष मगध का राजकुमार अरुण आया था। हल चलाने के पश्चात राजा को बीज बोने थे, इसलिए मधुलिका बीज उठाए राजा के साथ साथ चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सब बीज बो दिए, थाल खाली हो गया। कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए, यह जमीन की कीमत थी। मधुलिका ने प्रणाम करके सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज यह मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं इसे आपको ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, पर इसे मैं बेचूंगी कदापि नहीं। इतना सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ मूर्ख, राजा की कृपा का अपमान मत कर, आज से तू राजा की सुरक्षा में है। राजा ने पूछा, कौन है यह लड़की? मंत्री ने कहा, महाराज यह वीर सिंह मित्र की बेटी है, सिंह मित्र जिसने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा बिना कुछ कहे अपने शिविर में लौट आए। जय घोष के साथ उत्सव समाप्त हुआ। राजकुमार अरुण यह सब देख रहा था। रात भर वह सोया नहीं, अपने घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। उसकी आंखों में मधुलिका का वह तेज भरा चेहरा घूम रहा था। घूमते घूमते वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मधुलिका हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। अरुण चुपचाप उसे देखता रहा। अचानक कोयल के कूकने से मधुलिका की नींद टूट गई। सामने एक अनजान को देखकर वह उठ बैठी। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हें उत्सव में देखा था, तभी से मैं तुम्हारे साहस का कायल हो गया हूँ। मजाक न करो राजकुमार, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ऐसा कहकर मधुलिका वहाँ से चल दी। राजकुमार भी ऐसी बातें सुनकर चला गया। अपनी जमीन खोकर अब मधुलिका दूसरे के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी, रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। सर्दियों की एक रात, मेघों से भरा आकाश, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार अरुण की कही बातें उसे याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन है यहाँ? मुसाफिर को शरण चाहिए, बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका खुशी से चिल्लाई, राजकुमार? अरुण भी उसे देखकर हैरान था, कुछ रुककर बोला, मैं बागी हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है, मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका ने हंसकर कहा, राजकुमार तुम्हारा स्वागत है। बारिश के बंद होते ही दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अरुण संभल कर बोला, मैं नया राज्य स्थापित करूंगा, तुम्हें राजरानी बनाऊंगा, नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। तब अरुण ने उसे अपनी योजना बताई। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी जमीन खेती के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम उसकी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन चाहिए। दक्षिणी नाले के पास की जमीन सैनिक महत्व रखती थी, वहाँ से सैनिक किले पर पहरा देते थे। जमीन मधुलिका को मिलते ही सैनिक वहाँ से हटा लिए गए। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छुप गया। वहाँ से वह राजा के किले पर हमला करने वाला था, यही उसकी योजना थी। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था, मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, बेटी होकर मैं आज शत्रु की सहायता कर रही हूँ, नहीं कभी नहीं, ऐसा सोचकर वह इधर उधर भागने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी, शत्रु दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागे। आक्रमण की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस प्रकार उसकी योजना विफल हो गई। अरुण को बंदी बना लिया गया। राजा ने उसे प्राण दंड दिया। तत्पश्चात मधुलिका को बुलाया गया। आज उसके कारण कौशल पर आए विपत्ति के बादल छट गए थे। कौशल नरेश उससे बहुत प्रसन्न थे।
राजा ने कहा, मधुलिका तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगती हो। मधुलिका वहां आकर खड़ी हो गई। तो फिर मुझे भी प्राण दंड ही दीजिए। मधुलिका बंदी अरुण के पास जा खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।